स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शामिल वीर सावरकर की कहानी पर बनी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर 22 मार्च को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में एक्टर रणदीप हुड्डा वीर सावरकर के किरदार में नजर आएंगे। वहीं एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे वीर सावरकर की पत्नी यमुनाबाई के किरदार में दिखेंगी। एक्टिंग के दौरान रणदीप हुड्डा को क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसी पर इंडिया न्यूज के एडिटर उदय प्रताप ने रणदीप हुड्डा से खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास शख्स जो लेकर आ रहे हैं एक बेहद खास पिक्चर। जी हाँ, एक ऐसे शख्स के बारे में जो पूरे देश में आजकल चर्चाएं में हैं और शायद जरूरी है कि हम भी उनके बारे में, उनकी असली कहानी के बारे में थोड़ा और जानें। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में जो 22 मार्च को लग रही है पूरे देश के सिनेमाघरों में। और इस फिल्म के निर्माता, निर्देशक, लेखक और अभिनेता हमारे संग जुड़ रहे हैं रणदीप हुड्डा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जब इतने सारे आपने वो लगा दिए आगे एडजेक्टिव्स जी, तो मुझे भी लगता है यार थक गया सुन के। तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं अगर बोलने में ही, सुनने में थकान हो रही है तो व्हाट इट मस्ट हैव बीन ऑन सेट फॉर यू। बहुत बहुत चैलेंजिंग था और एज एन एक्टर भी बहुत ही चैलेंजिंग रोल था। और इसमें जब आप निर्देशक भी हैं तो मैं अक्सर शूट करते हुए सबका शूट कर लेता, तो बोला चलो चलो लेट्स गो। बोलते सर आपका तो लिया ही नहीं, सावरकर का तो शॉट लिया ही नहीं। शिट, ओके। सो देन आई हैड टू डू माय मेकअप एंड द बहुत इम्पोर्टेंट था सावरकर जी जैसा दिखना जी, ताकि लोग उस इस कहानी में और बिलीव कर सकें जी। मैं पूछना चाहूँगा, जब ये कहानी आपके पास पहली बार आई संदीप सिंह द्वारा जैसे आपने बताया, तो आपके जहन में फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आप इस शख्स के बारे में ज़्यादा जानते थे उस वक्त, या फिर आप भी इंट्रीग थे, या आप थोड़े से हेजिटेंट थे? फर्स्ट रिएक्शन क्या? फर्स्ट रिएक्शन तो मेरा ये था कि यार हाउ कैन आई लुक लाइक विनायक दामोदर सावरकर, बिकॉज आई हैव अ सर्टेन बिल्ड एंड स्टफ लाइक दैट। So that was my first thing. And उसके बाद surprisingly, हालांकि मैं काफ़ी history buff रहा हूँ, मुझे भी उनके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था। हालांकि आपको लगता है आपको सावरकर जी के बारे में पता है, पर है नहीं। I was also dumbfounded. तो मैंने फिर उसके बारे में जब रिसर्च करनी शुरू की इस कहानी के बारे में, तो I was shocked. कि हाउ कम हम सबको ये बताया नहीं गया है, पढ़ाया नहीं गया है, किसी हिस्ट्री की किताब में नहीं है, हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है। और फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आया क्योंकि यार एक शख्सियत जिसने इतना बलिदान किया है, इतना इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, और जो एक इतने इंटेलेक्चुअल जायंट थे और जो इतने स्ट्रॉन्ग फर्वर के थे और जिनके साथ इतना जुल्म किया अंग्रेज़ों ने, और फिर आज़ादी के बाद बाकी हुकूमतों ने ताकि उनकी उनका इतिहास, उनकी कहानी लोगों तक ना पहुंच पाए, ये क्या साजिश थी? तो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड ऑल्सो। सो उसके बाद मैंने जब और रिसर्च करनी शुरू की, तो पहले तो मैं एज एन एक्टर ही रिसर्च कर रहा था, तो आई वॉज वेरी थिंग। एंड देन मेरे को जब स्क्रिप्ट नहीं मिली तो मैं बोला यार मैं अटेम्प्ट करता हूँ लिखने की। तो मैं को राइटर उत्कर्ष नैथनी हम लोग बैठने लगे और हमारी बातचीत में इतना कुछ निकल के आया कि यार ये कैसे फिट करेंगे। तो फिर हमको लगा यार कि ये इसमें तो सीरीज बननी चाहिए, कितनी बड़ी कहानी है, तो इसको कैसे तैसे करके हमने इसमें पिरोया। और मेरा ये शुरू से ये एक एम था कि मेरी मैनेजर और मेरी दोस्त हैं पंचाली चक्रवर्ती, तो उन्होंने जब मेरे को डायरेक्टर की लगाम मेरे हाथ में आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये पिक्चर लोग क्यों देखने जाएंगे, यंग लोग क्यों देखने जाएंगे, उनको तो आज़ादी से कुछ कनेक्शन है नहीं। तो मैंने उनको ये बोला था कि है नहीं शायद, पर हो रहा है, देश में इस बात की जागरूकता आ रही है, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में, अपने इतिहास के बारे में एक नई जागरूकता जो आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कुछ ऐसे इस तरीके से बनाता हूँ कि ये एक तो एक पेट्रियटिज्म पे भाषण ना लगे और जिंगोइज्म भी ना लगे, और जो सच था वो उभर के आए। तो मैंने इसको काफ़ी एक
फॉर्म जो यूजुअली हिंदुस्तान में बायोग्राफीज की होती है उसको तोड़ के बनाया है थोड़ा, और आई ट्रीटेड इट मोर लाइक अ थ्रिलर बिकॉज जब मैंने गांधी जी की पिक्चर देखी रिचर्ड एटनबरा की, जो कि बहुत अच्छी पिक्चर है, जब मैंने वो देखी तो मेरे को लगा कि मुझे ये नहीं बना सकते बिकॉज वो एक अहिंसा के आदमी थे और ये एक सशस्त्र क्रांति वाले आदमी थे, तो इनकी ऑपोजिट होनी चाहिए, तो वो मैंने कोशिश की जी। मगर फिर भी जैसे आप कह रहे हैं कि पैशन प्रोजेक्ट है, आपने बहुत कोशिश की है कि ये जिंगोइस्टिक ना लगे, यूथ को बहुत पसंद आ रही है, हमने आज देखा हम एक ही सिनेमा घर में थे जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, मगर फिर भी ये कहा जाएगा, इसकी आलोचना होगी, प्रोपेगेंडा फिल्म इसे कहा जाएगा, ऑलरेडी कुछ लोग कह रहे हैं, उनको क्या जवाब आप देंगे? उनको मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि ये एक्चुअली में एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा उनके नाम पे और जो लालचने लोग जो बिना पढ़े बिना जाने उनके ऊपर लगाते आए हैं, ये प्रोपेगेंडा ये लेट 90s में मतलब 90s में ज़्यादा शुरू हुआ था जब जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आने लगी थी, तब तक कांग्रेस ने उनको अटैक करने के लिए सावरकर जी को अटैक करना शुरू किया, और तब से उनके बारे में बहुत इज बीन मलाइन एज ए कैरेक्टर। तो मेरा यही है कि दिस इज एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म, वो तो इत्तफाकन ये शायद ऊपर वाले की मर्जी थी कि इलेक्शन के इतने पास रिलीज हो, हम तो पिछले 15 अगस्त को भी रिलीज करने की सोच रहे थे, तो करते करते यहाँ तक बात पहुँची है, पर लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे पर मैं चाहूँगा कि जो लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं एक बार देख के देखो जी, फिर अपनी ओपिनियन बनाएं। मगर अब क्योंकि आपने फिल्म बनाई है, अब इस शख्सियत के बारे में आप इतने रिसर्च आपने की है, तो सावरकर को लेकर इतना कॉन्ट्रोवर्सी क्यों होता है देश में? सावरकर को लेकर राजनीति भी होती है, ऑपोजिशन लीडर्स उन पे लालचन लगाते हैं, सरकार की तरफ से उनका पक्ष लिया जाता है, उनको लेकर इतना विवाद क्यों है अब तक? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे विवादित मेरे ख्याल से क्रांतिकारी वो वही हैं, और उनका व्यक्तित्व भी बहुत बहुरंगी था, बहुत वो उनकी पर्सनालिटी में काफ़ी फैसेट्स थे, और वो प्रैग्मेटिक थे, साइंटिफिक थे, वो और साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके कैसे भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले एक इंसान थे, और उनको काफ़ी लोग माफी वीर भी कहते हैं। तो उस वक्त ये सब लिटिल नॉलेज इज डेंजरस वाली बात है, आप अगर उनकी जीवनी पढ़ो तो उनकी जीवनी तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो जब वो एक रोमांटिक क्रांतिकारी थे जिसमें वो गन स्मगल कर रहे थे, बॉम्ब मैनुअल स्मगल कर रहे थे जो कि उन्होंने लेनिन के कनेक्शन से प्राप्त की थी, फ्रांस में पूरा एक अंडरग्राउंड नेटवर्क था, एक सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी और मित्र मेला, काफ़ी उन्होंने सोसाइटीज़ बनाई और उन्होंने एक वो शपथ दिलाते थे, तो एक वो समय था। फिर एक उनकी लाइफ जब उनको कारावास हुआ काला पानी का, फिर उसके बाद एक दूसरा क्रांतिकारी एक पैदा हुआ जो कि बहुत और प्रैग्मेटिक था, जो कि और थोड़ा कनिंग था, और वो जो अपनी मतलब दूसरे को कन्विंस करने की पावर जो उनकी थी वो उस तरीके से यूज़ करने लगे। अगर आप 50 साल के लिए आपको दो उम्र कैद, उस वक्त उम्र कैद 25 साल की होती, दो उम्र कैद किसी इंसान को दी है और 27 साल तक उनको कैप्टिविटी में रखा है, 11 साल काला पानी में, 3 साल येरवाड़ा जेल और काफ़ी सारी जेलों में, कलकत्ता में भी रखा, फिर उसके बाद वो रत्नागिरी में ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट में रहे, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट अरेस्ट थी, और वो किसी भी राजनीतिक या रिलीजियस काम में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो अगर वो इतने ही अंग्रेजों के पक्ष में थे और इतने ही मीक थे कि वो माफ़ी मांग रहे, अंग्रेजों को पता था ये आदमी दुश्मनों को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते, अंग्रेज जानते थे, तो उन्होंने इनको नहीं छोड़ा। जिस आदमी को 27 साल कैप्टिविटी में रखा, तो उस आदमी के बारे में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा जानो कि वो इतना डेंजरस क्यों था। और सावरकर जी ने एक बहुत बड़ी, वो इंटेलेक्चुअल जायंट थे, काला पानी में रह के उन्होंने 6,000 कविताएं लिखी, दीवारों पर लिखी, उनको कंठस्थ किया, और उन्होंने सबसे बड़ी उनकी एक और उपलब्धि थी कि उन्होंने
1906 के आसपास उन्होंने एक किताब लिखी थी 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1857 में जो एक सिपाही म्यूटनी करके हमको पढ़ाया जाता है उसका उन्होंने नजरिया बदल दिया रिसर्च करके कि पूरे देश में ये सिर्फ सिपाहियों की म्यूटनी नहीं थी, पूरा देश इसमें जुड़ा था। और हम जानते हैं झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, पता नहीं कितने कितने लोग इसमें जुड़े थे। तो ये एक सशस्त्र क्रांति थी जिससे कि अंग्रेज डर गए थे। पहले इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर होता था तो क्राउन ने उनसे वो ले लिया और क्वीन विक्टोरिया ने ये डिक्री की कि इनके रिलीजन के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी, और फिर वो डिवाइड एंड रूल में शुरू हो गया। तो इतनी बड़ी हिस्ट्री है उनकी। और फिर जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने हिंदुत्व वहाँ पे किया। जब खिलाफत मूवमेंट हुई तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के अपोजिंग एक ये आइडियोलॉजी बनाई कि हम सब की, उस पर किताब भी लिखी, किताब भी लिखी, हिंदुस्तानियों की एक ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होनी चाहिए फॉर फ्रीडम, जो कि हो हिंदुत्व, जिसमें वो हिंदुत्व को जब एक्सप्लेन कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक हम सब एक लोग हैं, चाहे हम किसी भी जाति धर्म या समाज के क्यों ना हो, राइट। फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि शायद आपको समझ में नहीं आएगा, व्यूअर्स को भी समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने बोला कि हिंदुत्व समझाने से पहले हिंदू कौन है मुझे समझाना पड़ेगा। तो जो इसको अपनी पितृभूमि माने या अपने पूर्वजों की जमीन, और इसको अपनी मातृभूमि जो कि अपने यहाँ के संस्कृति त्यौहार खान पान वेशभूषा को अपना माने, और उन्होंने एक और क्लॉज ऐड किया कि जिसकी पुण्य भूमि भी यहाँ पे, पुण्य भूमि क्योंकि उस वक्त पैन इस्लामिक इन्वेजन का डर चल रहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की तरफ से, और वहाँ पे मोस्टली फौज मोहम्मदन थी, तो उन्होंने ये उनको ये लगा कि और इंडिया में टर्की के लिए कैलिफेट के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो उन्हें लगा कि ये हिंदू वो है जो धर्म को राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखे। सो दैट वाज हिज थिंग। सो ही वाज सेट फॉर, दैट्स व्हाई पुट इन द लास्ट क्लॉज कि उनकी पुण्य भूमि भी होगी, कि आप आपकी एफिलिएशन या आपका जो सेंटर ऑफ फेथ है वो अगर देश से बाहर है तो क्या आप देश को ऊपर रखोगे या धर्म को ऊपर रखोगे, ये उन्होंने रखा। और मेरे ख्याल से ये आज भी ऑल एनकम्पासिंग एक एक वो है आइडियोलॉजी है, एक वो है जिसमें कि सब एक हैं, एज लॉन्ग एज इंडिया फर्स्ट, भारत पहले और बाकी सब कुछ बाद। शायद एक डायलॉग भी है कि जो हिंद के बारे में सोचे, जो हिंद को, जो हिंद से प्यार करे वो हिंदू है, वाह, चाहे वो किसी भी धर्म का। वह तो काला पानी में सजा के तौर पे गए थे, मगर सुनने में आ रहा है कि आपने भी अपने आप को सजा दी, बेहतर अभिनय के लिए कैद किया, कैप्टिविटी में रहे। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर आप किसी किरदार को निभा रहे हैं जो कि एक रियल किरदार है, तो सबसे पहली चीज एक आपको जो करनी चाहिए कि आपको उन जैसा दिखना चाहिए। और क्योंकि मैं उस वक्त इंस्पेक्टर विनाश कर रहा था तो एराइड टमी पेट वेट निकाल के खाता पीता मैं यूपी का कॉप प्ले कर रहा था, तो उस वक्त मैंने इस पे काम शुरू किया था और तकरीबन 30-32 किलो मैंने घटाया, क्योंकि जब काला पानी में वो हैं जहाँ पे खाने को नहीं मिलता और सारा दिन उनसे फिजिकल काम मेहनत कराई जाती है पनिशमेंट के तौर पर, तो वो वैसे ही लगेंगे। और फिर देखिए, क्योंकि मैंने लिखी भी थी तो इतना उसमें मैंने इम्बाइब हो गया था कि आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक सावरकर जी इन अ लॉट ऑफ वेज, आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक हिम, एंड ही वाज अ मैन विद अ शॉर्ट टेंपर आल्सो, वो भी, एंड ही वाज वेरी सार्केस्टिक, बहुत ही तिखट वो थे। बहुत मज़ा आया उनकी जीवनी को जी के, और मेरा बस यही एक 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 प्रार्थना है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचे, स्पेशली यंग लोगों तक। बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं कि दर्शक जो हैं वो पसंद करेंगे इस फिल्म को, लेबर ऑफ लव है, कितनी मेहनत गई है, कितना पैशन गया है, कितना कितनी तपस्या गई है, और बहुत से पाउंड्स भी गए हैं, वेट भी गया है। आखिर में वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन वीर सावरकर एंड नंदीप हुड्डा, सिंगल माइंडेड डेडिकेशन, मछली की आंख पे निशाना। चलिए, वही दिखता है। उम्मीद करते हैं कि बॉक्स ऑफिस पे भी निशाना आपका सीधा लगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सिंह बातचीत करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म।